रूठे हुए पति को मनाने के लिए, रूठे हुए पति को अपने प्यार में दीवाना बनाने के लिए, रूठे हुए पति को अपने लिए तड़पाने के लिए, उसे मदहोश करने के लिए एक पत्नी अपने पति को अपना दीवाना बनाने के लिए, आप ये वीडियो हमारा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV, मैं हूँ तांत्रिक छन्नूलाल। माता रानी की कृपा से जो मैं आपको उपाय अभी बताने जा रहा हूँ, इस उपाय से एक मर्तबे, सिर्फ एक बार ही आपको ये उपाय करनी है और जन्म भर के लिए आपका पति आपके वश में हो जाएगा, या आपका प्यार पार्टनर, जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, वो एक ही बार में आपके वश में हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आप अपनी पत्नी के लिए देख रहे हैं कि आपकी पत्नी मायके चली गई है और उसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, आपकी पत्नी अगर आपसे अच्छे से बात नहीं करती है, आपकी पत्नी अगर घर में रहते हुए भी आपसे नहीं बात करती है और रोज़ाना आपके और आपकी पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी बातों पर विवाद हो जाते हों, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, जन्म भर के लिए वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका पति अगर किसी दूसरी स्त्री को, यानी किसी दूसरी महिला को बाहर बाहर कहीं प्यार करता है, उसको बहुत पसंद करता है और आपको धमकियां देता है कि हम एक दिन उससे विवाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, और आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो ये वीडियो मेरी बहन आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने YouTube के ऊपर बहुत सारे तरीके देखे होंगे, बहुत सारे उपाय देखे होंगे, लेकिन आपका काम नहीं बना होगा। तो आज आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय से एक ही बार में, एक ही समय पर, एक ही दिन में आपका काम बन जाएगा। अगर आप इस उपाय को सही से करेंगे तो आपका काम 100% बन जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के काम बने हैं, आपका भी काम बनेगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे जैसे वैसे वैसे आपको करना होगा। तो ये कैसे करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए, बालों द्वारा ये उपाय आपको करना है। बस बाल आपको, बाल लेने अपने पार्टनर के, आपका जो पति है उसी के आपको बाल लेने हैं, और बाल लेने के बाद में बस ये छोटा सा आपको उपाय करना है। बाल बहुत ही शक्तिशाली चीज़ होती है तंत्र करने के लिए। तंत्र करने में बालों की आवश्यकता ज़रूर पड़ जाती है। जब आप किसी के ऊपर बहुत ही महाप्रचंड कोई उपाय कर रहे हों तो बालों की आवश्यकता, और मैं आपको बताऊं नाखूनों की आवश्यकता, और मैं आपको बताऊं जो आपके रोए होते हैं उसकी आवश्यकता, आपके काजल, आपका काजल अगर आपने यूज़ कर लिया है, उस काजल से बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही प्रचंड टोटका किया जा सकता है। लेकिन ये कौन सी चीज़ पे किया जाएगा वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बालों द्वारा वशीकरण करने का बहुत ही शक्तिशाली एक उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, शुरू में ही देखते हैं, स्क्रीन पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नज़र आता है, वो वीडियो पूरा नहीं देखते और सीधे मुझे कॉल कर देते हैं। वो ये चाहते हैं कि देखें ये गुरुजी कैसे बात करते हैं। वो तो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं और फिर वो मुझे कॉल करते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन आप मुझे कॉल ना करें, आप स्वयं उस उपाय को अप्लाई करें ताकि आपका काम बने, और जब आपका काम बन जाए तब आप मुझे खुशी से फ़ोन करें कि गुरुजी आपका काम बताया, जो आपने तरीका वो मैंने किया और मुझे सफलता मिल गई। क्योंकि मैं गारंटी के साथ में आपको बोल सकता हूँ, 100 लोगों में 90 लोगों का काम बना है और 90 लोगों का काम बनेगा, 100 में 90 लोगों का काम बन जाएगा। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ में बोल रहा हूँ कि पहले ही दिन बन जाएगा 100 में 90 लोगों का। अब 10 लोगों का काम क्यों नहीं बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उनका भी बनेगा लेकिन उसी दिन क्यों नहीं बनेगा। अब भाई पहली बार आपको ये हमारा वीडियो देख रहे हैं आप, सबसे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देखा आपने तुरंत मुझे कॉल कर दी। कॉल करने के बाद में जब आपको मैं कहूँगा कि आप उस वीडियो के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दीजिए, पूछिए, आपको कुछ नहीं समझ में आया, अब आप जाते हो
बता नहीं पाते हो, क्योंकि वीडियो देखा YouTube पर, एक के बाद वीडियो गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये उपाय बहुत आसानी से करने में आसानी होगी। अब हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इस उपाय को करना चाहते हैं, आपका ये नाम है, या गुरुजी आपने जो बताया वो अच्छा बताया या नहीं अच्छा बताया। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोल देना है। मैं जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं उसको पूरी जानकारी दूंगा, कमेंट में उसको रिप्लाई करूंगा और उसको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे किया जाता है, अब आप सीखने की कोशिश कीजिए। यूँ तो मेरे प्यारे भक्तों, बहुत सारे वशीकरण के टोटके किए जाते हैं बालों द्वारा, बालों से बहुत से टोटके किए जाते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे बाल से वशीकरण के टोटके किए जाते हैं। उनमें से कुछ मंत्र के साथ होते हैं, कुछ बिना मंत्र के साथ होते हैं। तो जो बिना मंत्र के साथ होते हैं उसमें भी बहुत सूझबूझ के साथ में किया जाता है, क्योंकि काम बिगड़ भी जाते हैं। तांत्रिक द्वारा सिद्ध किया गया कोई ऐसा उपाय जो आप करो, आप नहीं कोई भी करे, उससे सफलता मिल जाएगी। और काम करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस इंसान का वशीकरण कर रहे हैं, जिस इंसान को हम अपने वश में कर रहे हैं, वो आपका कौन लगता है, वो आपका क्या है, उससे आप कितने समय तक के एक साथ रहेंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ खेल में, हंसी मजाक में चाहते हैं कि किसी को वश में कर लें, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये हमारा बताया हुआ उपाय सिर्फ पति और पत्नी के ऊपर ही करें, इसके अलावा किसी के ऊपर ना किया जाए। तो मैं आपको बताऊं, अगर पति पत्नी से या पत्नी पति से एक दूसरे को चाहत रखता है और वो एक की चाहत दिखाई दे रही है, दूसरे की चाहत नहीं दिखाई दे रही, तो आपको उसे अपने वश में करने के लिए क्या करना है, उनके बाल और अपने बाल दोनों के बालों को मंगलवार के दिन से शुरू करें। हर मंगल आपको ये उपाय करना है, हर मंगल, यानी कि आज अगर मंगलवार है तो आने वाले मंगलवार को भी करें, फिर उसके बाद इसी तरीके से 7 मंगल लगातार आपको करना है। और आपको मंगलवार को क्या करना है, अपने बाल लेने हैं और उनके बाल लेने हैं, और बालों को नाप लीजिए, इतने बड़े होने चाहिए कि उसमें गांठ लग जाए, ध्यान से समझिएगा, बालों पर गांठ लग जाए। तो बाल के अंदर जब आप बाल को बाल में आपस में मिलाओगे तो ध्यान से एक दूसरे की वश में करने की प्रार्थना करोगे, माता रानी की कृपा से ये उपाय बहुत तेज़ी से असर करता है, करा है, करेगा, आगे लोगों का भी बहुत काम बना है दोस्तों। बस आपको बाल के ऊपर गांठ मार के इसे भारी पत्थर के नीचे दाब देना है, इतना आपको करना है। फिर आगे मंगल को करिए, फिर उसके बाद फिर मंगल को करिए, इसी तरीके से आप 7 मंगल लगातार कर दीजिए। और हर बार आपको यही उपाय और वही वही समय पर करना होगा, हालांकि आपको अलग अलग समय पर नहीं करना है कि अभी हमने दोपहर में किया फिर हम कभी रात में करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही समय बनाना है और एक ही समय पर आपको ये उपाय करनी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सही कामों के लिए ही इस उपाय को कीजिएगा और हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप इस उपाय को करना चाहते हैं। इसके बाद क्या करना है आप ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं इसके बाद के तरीके बताऊँगा।